राम राम किसान भाइयों, मैं हूं तुम्हारा। आप देख रहे हैं एक खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल में रेड मैट कैसे कंट्रोल करेंगे और भिंडी की फसल में रेड मैट कंट्रोल करने की दवा मार्केट में किस कंपनी की किस नाम से मिलेगी। ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने भिंडी की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले समय में भी हम भिंडी की क्रॉप से संबंधित अदर वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान मित्रों मिल सके। तो किसान मित्रों, आप अगर हम बात करें भिंडी की फसल में रेड मैट कंट्रोल करने की दवा के बारे में, तो रेड मैट कंट्रोल करने के लिए किस भिंडी की फसल में जब रेड मैट लग जाती है, तो ये हमारे भिंडी के जो पौधे की पत्तियों से रस चूसने का काम करती है, और इसके कारण जो हमारे भिंडी के जो पौधे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं, और भिंडी के जो फल है उसका भी रस चूसने का काम करती है, जिससे हमारे जो भिंडी का फल है वो ना अच्छे से बढ़ पाता और भिंडी का फल है वो किसान मित्रों पीला पड़ जाता है, और बढ़वार भी पौधे के किसान मित्रों रुक जाती है, और ना भिंडी के पौधे पर फल और फूल भी किसान मित्रों बहुत कम देखने को मिलता है, और भिंडी का पौधा पीला दिखाई देने लगता है। तो किसान मित्रों, अगर ऐसे समय रहते हुए हमने रेड मैट को भिंडी की फसल से कंट्रोल नहीं किया, तो ये हमारी भिंडी की फसल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट लाने का काम करता है, पौधे की वृद्धि को रोकने का काम करती है यह रेड मैट। किसान मित्रों, रेड मैट कंट्रोल करने की अगर हम दवा की जब हम टेक्निकल की जब हम बात करें, तो उसका नाम है प्रोफ्यूराइड 57% EC। इसे किसान मित्रों, आप इस टेक्निकल को 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से अगर भिंडी की फसल में अगर रेड मैट कंट्रोल करने के लिए स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, तो ये हमारे भिंडी की फसल से किसान मित्रों रेड मैट कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा किसान मित्रों काम करता है। किसान मित्रों, यह जो दवा है प्रोफ्यूराइड 57% EC, ये आपको मार्केट में धानुका कंपनी की ओमाइट नाम से आपको मिल जाएगी, तथा ये टेक्निकल अदर कंपनियों के भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर हम दूसरी दवा की जब हम बात करें, तो दूसरी दवा का टेक्निकल नाम है किसान मित्रों डाइकोफॉल 18.5% EC फॉर्म में। किसान मित्रों, इसे भी जो डाइकोफॉल 18.5% EC फॉर्म में है किसान में, तो इसे भी आप 2 से 3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से अगर भिंडी की फसल में रेड मैट कंट्रोल करने के लिए किसान मित्रों स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, तो यह भी टेक्निकल किसान मित्रों भिंडी की फसल में रेड मैट कंट्रोल करने पर बहुत ही अच्छा किसान मित्रों काम करता है। यह जो दवा है किसान मित्रों डाइकोफॉल 18.5% EC आपको वो इंडोफिल कंपनी की कर्नलस नाम से किसान मित्रों मिल जाएगी, तथा ये है अदर कंपनियों की भी मार्केट में किसान मित्रों आपको मिल जाएगी। तो क्यों ना इस बार किसान मित्रों मेरे बताए अनुसार जो दो टेक्निकल बताए आप रेड मैट कंट्रोल करने के किसान मित्रों, उसमें से किसी एक टेक्निकल का आप अपने भिंडी की फसल में रेड मैट कंट्रोल करने पर अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने भिंडी की फसल से लंबे समय तक रेड मैट कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से भिंडी की क्रॉप से संबंधित अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।